أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم starting with the great name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum dear student, welcome to physics grade 9. This is the book of the Haber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar and unit number 6 work and energy. Our today's topic is the kinetic energy. In our previous lecture we studied about the energy, that what's energy. To remind that definition, the ability of doing work is called energy. हमारा आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, तो इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे अब काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन. एनर्जी के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क जो है, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, द एनर्जी डेफिनेशन हमारे पास इसकी इस तरह से आ जाएगी, द एनर्जी पोजिस्ड बाय द बॉडी due to its motion is called kinetic energy. कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी वहां पर पोजिस्ट होती है, मौजूद होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करने में जो एनर्जी यूज हुई, दैट एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी. वो एनर्जी हमारे पास क्या, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, हमारे पास जब तक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट हैव काइनेटिक एनर्जी एंड व्हेन इट स्टॉप मोशन the kinetic energy finishes. एक ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी उस वक्त तक होगी जब तक वो मोशन करेगा. जब उसकी मोशन खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके मोशन के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में इसके मोशन की वजह से होती है. अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ देख लें, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास डेली रूटीन लाइफ में हमारी डेली रूटीन की लाइफ में हमारे पास जितनी भी एग्जांपल्स हैं, उसमें अगर हम देख लें तो हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज हो रही होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास विंड है, हवा. हवा जब हमारे पास क्या होती है, ब्लो हो रही होती है, तो उसमें ब्लोइंग की वजह से क्या क्रिएट होती है, मोशन क्रिएट होती है. और मोशन जो है वो किसकी वजह से क्रिएट होती है, वो हमारे पास एनर्जी की वजह से क्रिएट होती है. वो एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है. अब यही काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कहाँ पर यूज हो रही है, ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यूज होती है इन परफॉर्मिंग डिफरेंट वर्क. ठीक है, अब कौन कौन से वर्क ये परफॉर्म करती है. फॉर एग्जांपल अब यही विंड वाली जो काइनेटिक एनर्जी उसको उनके मोशन की वजह से क्रिएट कर रही है, तो वहां पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा. यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा हो तो विंड मिल्स होते हैं हमारे पास ना, हवा की जो चक्कियां होती हैं वो हमारे पास जो है वो हमारे पास टर्न करती हैं, तो इन टर्न ये हमारे पास इसकी जो एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो हमारे पास क्या क्रिएट करती है, वो हमारे पास इन टर्न फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. तो देखा कि काइनेटिक एनर्जी की जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है जो उसके मोशन की वजह से क्रिएट हुई, तो वो हमारे पास क्या क्रिएट कर रही है, इन टर्न वो हमारे पास फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रही होती है. यानी कि अगर डिफरेंट डेली पर्पसेस की रूटीन लाइफ की एग्जांपल में हम देख ले, तो हमारे पास बहुत सी ऐसी
पार्ट है जहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास यूज होती है। विंड मिल हमारे पास वो वाली चक्की होती है जो हमारे पास हवा की मदद से चलती है, इस टाइप की वो होती है हमारे पास, ये हवा की मदद से चलती है और वो इन टर्न हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो हमारे पास जो आप लोगों ने देखा होगा कि सेलिंग बोट होती है। सेलिंग बोट हमारे पास क्या होती है, बागबानी कश्ती जो होती है वो हमारे पास इस टाइप की कश्ती जो होती है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कश्ती होती है उसमें एक कपड़ा लगा होता है, इस कपड़े पर हवा जो है वो क्या होती है, पड़ती है, ठीक है। विंड हमारे पास ब्लो होती है, विंड के ब्लो होने से हमारे पास किस चीज से ब्लो होती है, एनर्जी की वजह से ब्लो होती है। एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है इस कपड़े को मूव करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि सेलिंग बोट हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर लेती है आसानी से। अगर यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ना होती तो हमारे पास ये सेलिंग बोट जो है वो फॉरवर्ड मोशन ना कर पाता। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देख ले तो हमारे पास इस तरह से एक और एग्जाम्पल आ जाती है कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, कार इज मूविंग, वो मोशन कर रहा है, तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी, तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन वी अप्लाई ब्रेक, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, द कार अप्लाई द ब्रेक्स, द कार स्लोली स्टॉप्स इट्स मोशन, और ये जब स्लोली अपनी मोशन को स्टॉप करता है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता से वो, देन दैट इज दैट मोशन ऑल्सो हैव काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पर भी उस मोशन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जब वो स्लोली स्लोली मूव करता है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वो अब स्टॉप होने की तरफ जा रही है कार, तो हमारे पास क्या होता है कि वहां पर हमारे पास उस टाइम उस कार में जो एनर्जी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनली वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो जब वो स्टॉप हो जाता है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, फिनिशेज हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास यूज होती है, फॉर एग्जांपल एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव करना चाह रहे हैं, हम कार की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसको अगर हम मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो फोर्स हमारे पास जब मूव उसमें मूवमेंट क्रिएट करता है तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो फोर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्क डन होता है। तो हमारे पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जब हमारे पास मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, तो वो हमारे पास किस चीज के बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। हमारे पास दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास किस चीज के बराबर होती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होती है। व्हेन वी स्टॉप देन अवर वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, हम जब स्टॉप हो जाते हैं तो हमारा वर्क डन किस चीज के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ऑफ द मूविंग बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही होती है। सिमिलरली व्हेन वी मूव ए स्टेशनरी बॉडी देन द वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जब हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे होते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, फोर्स हमारे पास क्या होता है, वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। और जब मूविंग बॉडी हमारे पास स्टॉप होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टॉप होता है, तो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वर्क डन उस केस में हमारे पास फिर किस चीज के बराबर होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है। हमारे पास फिर इस केस में वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मूविंग बॉडी। अब यहां पर हम इसके मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ आ जाते हैं,
मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ हम आ जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि कंसिडर ए बॉडी, हमारे पास एक कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, इज मूविंग विद, वो हमारे पास मूव कर रहा है ऑन अ रफ सरफेस, विद वेलोसिटी v, ठीक है, वो हमारे पास वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसका मास हमारे पास है m, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मूव करने के बाद आफ्टर अ वाइल ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास स्टॉप हो जाता है। क्यों हमारे पास स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो है यहाँ पर इसको स्टॉप कर देती है। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या करती है, इसकी मोशन को अपोज कर लेती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसको मूव करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत थी, हमें फोर्स की जरूरत थी। यहां से यहां तक इसने क्या कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास इसने कवर कर दिया है, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने क्या किया, इसने मोशन की, तो मोशन की वजह से क्या क्रिएट हुई, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुई, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास तो क्रिएट हो गई है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या डन हुआ, हमारे पास वर्क डन हो गया, ठीक है। अब वर्क डन हमारे पास हो गया है। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देख रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, लेकिन जब ये स्टॉप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमारे पास वो वेलोसिटी के वी के साथ मूव करता है। आफ्टर अ व्हाइल द ऑब्जेक्ट स्टॉप मोशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक आफ्टर अ व्हाइल जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम देख ले तो हम लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पर किस चीज के बराबर है, एफ डॉट एस के बराबर है। हमने काइनेटिक एनर्जी को एफ डॉट एस के बराबर क्यों लिया, हमने पढ़ा कि हमारे पास वर्क डन हुआ ना, कि ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया तो उसमें मूवमेंट क्रिएट हुई, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, दैट डिस्टेंस इज एस, और उसके बाद वो हमारे पास क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो वर्क डन तो हो गया ना, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के बराबर क्यों लिया, हमने पढ़ा था कि एनर्जी हमारे पास क्या है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो इसी वजह से हमने काइनेटिक एनर्जी को एफ डॉट एस के बराबर ले लिया। अब हमने इफ एफ और एस की वैल्यू को फाइंड करना है कि इस केस में हमारे पास वर्क डन, तो वो तो हमारे पास वर्क डन जो है एफ डॉट एस के बराबर हो गया है, लेकिन इस केस में अब एफ और एस हमारे पास किस चीज के बराबर है, वो हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप लोगों को रिमेम्बर हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म थी हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन को हम क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी आया है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किस चीज आया है, टाइम आया है, तो वहां पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, मीन्स कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम यहां से ए को निकाले तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम हमारे पास आ जाएगा, लेकिन यहां पर चूंकि हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था विद वेलोसिटी वी और अब वो हमारे पास यहां पर आकर स्टॉप हो गया है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, द एक्सेलरेशन हियर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हुई है, वो हमारे पास बिकॉज द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इट्स मोशन, तो इसी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हुई कि वो इसकी जो तेजी थी वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कम होना शुरू हो गई,
तो जब इसकी तेजी कम होना शुरू हो गई तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, माइनस ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। तो हम लिख सकते हैं कि आर ए इज इक्वल टू माइनस एफ बाय एम। अब यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, हमने फाइंड क्या करना है, एफ और एस की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ देख ले तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब हमारे पास a भी यहाँ पर मौजूद है, s की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, फाइनल वेलासिटी भी मौजूद है दैट इज इक्वल टू जीरो एंड इनिशियल वेलासिटी इज इक्वल टू v। तो अब यही वैल्यू हम इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × f / m × s इज इक्वल टू फाइनल वेलासिटी इज जीरो माइनस इनिशियल वेलासिटी इज v। तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा −2 f/m × s, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा −v². अब हमारे पास दोनों साइड्स पर क्या आ गया है, दोनों साइड्स पर हमारे पास माइनस माइनस साइन आ गया, तो माइनस माइनस साइन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो 2fs इज इक्वल टू v². ठीक है, तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 2f क्योंकि हम s को फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर f s को फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ f और s रहना चाहिए। ठीक है, तो m को हम इस साइड पर मूव कर लेंगे तो हमारे पास mv² आ जाएगा। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, हम बोथ साइड्स को क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम देख ले तो हमने पुट किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि द काइनेटिक एनर्जी, हम जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वर्क डन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और जब कोई स्टेशनरी मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट का वर्क डन हमारे पास उस मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने वो इक्वेशन पुट की थी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो अब हम इसमें पुट कर लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म प्रूफ हो गया है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज के बराबर है, हाफ एम वी स्क्वेयर के। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन मास, हमारे पास मास पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन मास एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द, किस चीज पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन द स्क्वेयर ऑफ वेलासिटी। तो हमारे पास स्क्वेयर ऑफ वेलासिटी क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा या उसने सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा या डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हमारे पास स्क्वेयर ऑफ वेलासिटी आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू योर बुक, आप लोगों के बुक पेज पर 152 और 153 पर आप लोगों के पास जो मैथमेटिकल प्रूफ दिया गया है उसको हम देखते हैं। ये भी मैथमेटिकल प्रूफ था और आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग इसका मैथमेटिकल प्रूफ जो है, अकॉर्डिंग टू बुक भी मैं इसके साथ लिख लेती हूँ, फिर आप लोगों को जो इजी लगे वो मैथमेटिकल प्रूफ अकॉर्डिंग टू बुक मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, फिर आपको जो सही लगे आप लोग वो यूज कर सकते हैं। हमारे पास आ जाता है कि कंसिडर ए सिचुएशन इन विच ऑल वर्क डन ऑन द कार ट्रांसफर्स ओनली काइनेटिक एनर्जी टू द कार। ठीक है, वो मूव कर रहा था, जा रहा है, तो फिर वो वही केस है हमारे पास कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाता है तो इसकी फाइनल वेलासिटी हमारे पास जीरो हो जाती है। हमने लिया कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमने ले ली। अब हमारे पास आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एफ एस के बराबर हो गई, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
दोनों का मैथमेटिकल प्रूफ आप लोग के पास एक ही आंसर देगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों को कौन सा इजी लगता है, आप लोग यूज कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा s को हमने फाइंड करना है, s इज इक्वल टू डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2a, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2a, 2a से हम दोनों साइड को डिवाइड कर लेंगे तो वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पर भी 2a आ जाएगा तो 2a से बोथ साइड्स को डिवाइड कर लें, 2a 2a कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि पुट इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, पुट इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर वन है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ की जगह हम एम ए पुट कर लेंगे, और एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, एस की जगह हम पुट कर लेंगे वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है, अब a और a हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास m मल्टीप्लाइड बाय वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। वही केस है हमारे पास कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v के बराबर है और फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ और जब वो रेस्ट पर चला गया तो ऑटोमेटिकली उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय जीरो होल स्क्वेयर माइनस वी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, तो हमारे पास वी स्क्वेयर का हम स्क्वेयर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस वी स्क्वेयर, जीरो माइनस वी स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर के बराबर। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या शो कर रही है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद इट्स मास एंड वेलोसिटी, कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होती है, तो उसका इक्वेशन हमारे पास जो एफ डॉट एस के बराबर आ रहा था उसको हमने प्रूव कर लिया कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर के बराबर आ रही है। बुक पेज नंबर 151 पर इसकी जो एक्सप्लेनेशन गिवन है वो जरा देख ले आप लोग, कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इसके मोशन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। व्हेन ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन इट मूव्स, सिमिलरली ए कार्ट स्टार्ट मूविंग व्हेन पुश्ड, कि जब हम किसी भी क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं तो लाजमी वो क्या करता है, मूवमेंट स्टार्ट करता है। इसी तरह से अगर हम किसी कार को धक्का देते हैं तो कार भी मूवमेंट स्टार्ट करता है। नाउ थिंक दैट द क्रिकेट बॉल एंड अ कार आर मूविंग विद द सेम स्पीड, अब ये सोचे कि क्रिकेट बॉल और कार एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं। विच पोजेसेस ग्रेटर एबिलिटी टू डू वर्क, कौन से में काम करने की सलाहियत ज्यादा होगी, तो ऑफकोर्स कार का मास लार्ज है तो इसी वजह से उसमें एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क भी ज्यादा होगी, इसी वजह से उसको स्टॉप करने के लिए भी हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। सिमिलरली नाउ टू क्रिकेट बॉल्स आर अप्रोचिंग यू विद द डिफरेंट स्पीड, एक कम स्पीड के साथ आ रहा है एक ज्यादा स्पीड के साथ आ रहा है, विच कैन डू मोर वर्क, अब कौन सा आप लोगों को ज्यादा काम करने पर मजबूर करेगा। आंसर इज इजी, अगेन इट इज इजी टू आंसर एज द बॉल विद द ग्रेटर स्पीड इज डिफिकल्ट टू स्टॉप, क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको स्टॉप करना हमारे लिए मुश्किल होगा। दस द ऑब्जेक्ट एंड इट्स मास आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास और इसकी स्पीड क्या कर रही है, वो काइनेटिक एनर्जी को
कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको मूव करने के लिए, उसमें एनर्जी क्रिएट करने के लिए हिस्सा ले रही है। मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एम एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वी, ये हमारे पास इसके बराबर है। पॉइंट टू द पोंडर आप लोगों को गिवन किया गया है कि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है इन द सर्कुलर ऑर्बिट। क्यों करता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ उस पर एग्जर्ट कर रही है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है इन द इनवर्ड डायरेक्शन, और वो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो है उस मून को कंपेल कर रही है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे। मून के डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट पर हमारे पास किस चीज के बराबर है? टेंजेंट टू द, यहाँ पर देख ले, टेंजेंट टू द सर्कल, वो सर्कल के टेंजेंट पर बराबर है परपेंडिकुलर टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एफ जी। हिंस द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मून इज 90 डिग्री। चूंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो हमारे पास वर्क डन किस चीज के बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। देयरफॉर द मून एज वेल एज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन स्टे इन द ऑर्बिट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्यूल। फ्यूल का खर्चा किए बगैर हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मून जो है वो हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में ही रहेंगे। नो वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कोई भी काम नहीं कर सकते। लाइक ऑल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, 2.0 kg हैमर हेड मूविंग विद स्पीड ऑफ द 4.0 m/s हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 16 joule। ठीक है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दूसरी एनर्जीज की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास 2 kg हैमर जो है हेड वो हम 4.0 m/s की स्पीड के साथ हिट कर रहे हैं उसको, तो वो कितने जोल की एनर्जी क्रिएट करेगा? 16 joule की। मैथमेटिकल प्रूफ इसका क्या है कि कंसिडर ए सिचुएशन इन विच ऑल द वर्क डन ऑन द कार ट्रांसफर ओनली काइनेटिक एनर्जी टू द कार। कंसिडर ए कार विच इज इनिशियली एट द रेस्ट, ए हॉरिजेंटल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू मूविंग टू कम इट टू मूव विद थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एस एंड अचीव द फाइनल वेलोसिटी वी एफ एस वी एंड शोन इन द फिगर 6.4। द वर्क डन डब्ल्यू अपेयर्स एज अ काइनेटिक एनर्जी सच दैट WK is equal to EK and FS by the Newton's second law of motion, F is equal to MA. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा 2AS is equal to VF square minus VI square. Rearranging S is equal to VF square minus VI square divided by 2A. Put equation number 2 and 3 in equation 1, उसमें put कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा kinetic energy की equation. ठीक है सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख ले कि हमने काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वेलोसिटी को वी के मुताबिक नहीं, इन्होंने रेस्ट वाले से स्टार्ट किया है, तो रेस्ट है जब हम स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी की जीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी इसकी वी आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी, तो नेगेटिव साइन का फिर मसला हमारे पास खत्म हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्रूफ आ जाएगा। सीखने पढ़ने का अमल जारी रखिए और सीखने और जानने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच एंड लव।